नमस्कार दोस्तों, शिव प्रकाश क्लासेस में आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, ऐसी आशा करता हूँ आप लोग जहाँ होंगे सतर्क और सुरक्षित होंगे, अपने पढ़ाई के प्रति जागरूक होंगे, दिन प्रतिदिन अपने पढ़ाई के प्रति उत्सुक होंगे। तो दोस्तों, जितने भी साथी क्लास में उपस्थित हैं, वीडियो में अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि क्लास में अधिक से अधिक स्टूडेंट आए और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, देखते हैं। सौवर्षी युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बताइए आपका आंसर क्या होगा। आपका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच सौवर्षी युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, नोट करते चलना। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? तो बताइए आपका आंसर क्या होगा। आपका आंसर हो जाएगा 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। क्या हो जाएगा? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? तो बताइए आपका आंसर क्या होगा। आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी यूएसए में। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? तो बताइए आपका आंसर क्या होगा। आपका आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। क्या हो जाएगा? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तो बताइए आपका आंसर क्या होगा। आपका आंसर हो जाएगा बोस्टन की चाय पार्टी। क्या हो जाएगा? बोस्टन की चाय पार्टी। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? बोस्टन की चाय पार्टी था। बोस्टन की चाय पार्टी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो बताइए आपका आंसर क्या होगा। आपका आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? मार्टिन लूथर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बताइए आपका आंसर क्या होगा। आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवेन ने। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ओवेन ने। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेका का संगठन किसने किया था? तो बताइए आपका आंसर क्या होगा। आपका आंसर हो जाएगा लेनिन ने। क्या हो जाएगा? लेनिन ने। चेका का संगठन किसने किया था? लेनिन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो बताइए आपका आंसर क्या होगा। आपका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। कहाँ हो जाएगा? इंग्लैंड में हो जाएगा। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। शानदार क्वेश्चन दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी? तो बताइए आपका आंसर क्या होगा। आपका आंसर हो जाएगा काला हाथ। क्या हो जाएगा? काला हाथ। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी काला हाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक कौन था? तो बताइए आपका आंसर क्या होगा। आपका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। गुप्त संधियों
कि प्रणाली का जनक कौन था? बिस्मार्क था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सेशन में मजा आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखते हैं यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो बताइए आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा तुर्की को, क्या हो जाएगा तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, तो बताइए आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा चीन को, क्या हो जाएगा चीन को। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, तो एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक था, तो बताइए आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा जॉन हे, क्या हो जाएगा जॉन हे। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक था जॉन हे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का 15वां और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो बताइए आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सनयात सेन, क्या हो जाएगा डॉक्टर सनयात सेन। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर सनयात सेन को कहा जाता है। तो दोस्तों जितने भी साथी क्लास में उपस्थित हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।